अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज़। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा फाइवर का स्किल बताने जा रहा हूं जिस पे ऑलरेडी बहुत से लोग शायद काम भी कर रहे हों, लेकिन इस स्किल को आप बूस्टअप और स्केल अप कैसे कर सकते हैं। ये ऐसा एक तो सिंपल सा काम है जो आप में से हर बंदा, इवन जॉबीज़ है या सैलरीड पर, जैसा भी बंदा है, उसकी जैसी मर्जी रूटीन है, वो घर में बैठ के ईजिली दिन में इसको टाइम दे सकता है। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप इस चीज़ को स्केल अप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बगैर आपका टाइम ज़ाया किए मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूं। इसमें सिंपल सा आपने सुना होगा कि YouTube थंबनेल डिज़ाइनिंग। अब ये बड़ा सिंपल सा लग रहा है कि YouTube थंबनेल डिज़ाइनिंग, आपको शायद पता होगा कि YouTube थंबनेल डिज़ाइनिंग एक्सट्रीमली हाई डिमांडिंग स्किल है और लॉन्ग टर्म स्किल है। लॉन्ग टर्म स्किल का मतलब ये है, आपने अगर फाइवर पर एक ही सिर्फ क्लाइंट हंट कर लिया है यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइनिंग का, अब अगर आप उस बंदे को एक अच्छा और हाईली, वो कहते हैं ना, हाई क्वालिटी वाला आप उसको थंबनेल बना के दे देते हैं, तो वो आपका 110% परमानेंट क्लाइंट बन गया। अब नॉर्मल एक अच्छा यूट्यूबर वीक के अंदर एटलीस्ट 3 से 4 वीडियोज़ डालता है जो रेगुलर होते हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा ही बड़े चैनल्स हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं 1 वीक बाद या 2 वीक्स बाद एक वीडियो, लेकिन रेगुलरली वो तकरीबन 1 वीक के अंदर एक आध दफ़ा लाजमी जो हसन है यूट्यूबर वीडियो डालता ही डालता है। ठीक है, तो जब भी वो वीडियो डालेगा 110% वो आपको ही अप्रोच करेगा थंबनेल बनाने के लिए। तो अगर आपने एक दफ़ा उसको अच्छा थंबनेल बना कर दे दिया है तो लाइफ टाइम आप इससे कमा सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो कमाने का तरीका ये है, यूट्यूब थंबनेल की सर्विसेज देते हुए आप इंस्टाग्राम के थ्रू और फेसबुक के थ्रू कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू हम यूट्यूब थंबनेल का क्लाइंट कैसे हंट करें। उसका बड़ा ही सिंपल और आसान तरीका है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक पे हैं तो फेसबुक की जो सर्च बार आ रही होती है जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स को या पेजेस को या डिफरेंट चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पर आपने लिखना है हैश, हैश का बटन दबाना है। हैश का बटन दबाने के बाद आगे लिखना है माय फर्स्ट व्लॉग। अब ये जो माय फर्स्ट व्लॉग का हैशटैग है, ये हर यूट्यूबर यूज़ करता है जब भी वो अपनी वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम आगे पीछे पोस्ट करता है। ठीक है, तो आप जैसे ही हैशटैग माय फर्स्ट व्लॉग डालेंगे आपको हज़ारों ऐसी पोस्ट मिल जाएंगी जिसमें डिफरेंट लोगों ने ये चीज़ अपने फर्स्ट व्लॉग के बारे में पोस्ट लगाई होगी। साथ में उनका लाजमी यूट्यूब चैनल का भी लिंक आ रहा होगा, अगर ना भी आ रहा हो तो आप इजीली उनका नाम, जो जिस नाम के साथ वो अपनी फेसबुक पे वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप उस नाम को सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर तो उनके आपको चैनल भी मिल जाएंगे। पहली बात तो ये कि आपको उनका चैनल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने। इंस्टाग्राम पे भी आपने यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। हैश, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, हैश टैग का बटन दबाना है आपने। हैश का बटन दबाने के बाद आपने आगे लिखना है माई फर्स्ट व्लॉग। ठीक है, तो अब जो जो आपके सामने प्रोफाइल्स खुलती जाएंगी, डिफरेंट लोगों ने पोस्ट लगाई होगी, आपने उनको इनबॉक्स में मैसेज करना है। इनबॉक्स में मैसेज करना है, साथ में आपने अपने पहले बनाए हुए 2-3 थंबनेल रख लेने हैं, उनको वो सैम्पल थंबनेल भेजने हैं और उसको कहना है कि आई एम इंटरेस्टेड टू डिज़ाइन 1 थंबनेल फॉर यू, और साथ में लिख देना है कि मैं फ्री में डिज़ाइन करके दूंगा। और जब फ्री में डिज़ाइन करने का आप बात करोगे ना, तो ज़ाहरी सी बात है, अगर उस बंदे का वो इंटरेस्टेड नहीं भी होगा ना आपसे थंबनेल डिज़ाइन करवाने में, वो एक दफ़ा सोचेगा ज़रूर, यार मेरे कौन से पैसे लग रहे हैं, मैं इसे थंबनेल डिज़ाइन करवा लेता हूँ। तो जब वो आप सोचेगा तो जाहिर सी बात है अब आपके पास मौका है उसको इम्प्रेस करने का। अब वो आपको, आपने बज़ाहिरी तो उससे फ्री में थंबनेल डिज़ाइन करके देना है, लेकिन ये आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि अगर आप उसको अच्छा थंबनेल डिज़ाइन करके दे देते। अच्छा, आपने उसको थंबनेल डिज़ाइन करके दिया, आपके बारे में आ रहे हो गए। अब ये था कि इसमें आपके पाकिस्तानी क्लाइंट, इंडियन क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे, आपके बांग्लादेश के भी क्लाइंट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसी तरह गोरा क्लाइंट हंट करना है, ठीक है, तो उसमें 2-3 तरीके हैं। एक तो आप हैशटैग डाल के माय फर्स्ट व्लॉग, आगे कोई कंट्री लिखेंगे तो उस कंट्री के रिलेटेड आपके टैग्स निकलेंगे, क्लाइंट्स निकलेंगे। दूसरा सबसे आसान तरीका ये है कि कोई ऐसा अकाउंट यूज़ करें जो यूएसए की आईडी, बहुत से लोग आजकल फेसबुक आगे पीछे आईडी सेल आउट करते हैं, तो किसी से इंस्टाग्राम की या फेसबुक की यूएसए की या किसी और कंट्री की आईडी ले लें। जब आप उससे ये सी चीज़ को सर्च करेंगे तो आपके सामने जो क्लाइंट शो होंगे वो गोरे होंगे या दूसरे कंट्रीज़ के होंगे। तो ये आपको बताने का मकसद ये था कि ये सबसे आसान तरीका है लॉन्ग टर्म क्लाइंट। एक तो ये स्किल बहुत आसान है, दूसरा ये कि आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट देता है, तीसरा ये स्किल ऐसा है कि इसके आप क्लाइंट्स बहुत ही ईजिली फेसबुक और इंस्टाग्राम से हंट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो स्ट्रेटजी समझाई है आप इस पर अमल करें, इंशाल्लाह आपकी जो इनकम है वो 10 टाइम्स टू 100 टाइम्स बूस्टअप हो जाएगी इंशाल्लाह। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।